हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका वर्मा, JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने पहले बात की थी डीसी थ्योरी की, जिसमें हमने ओम का नियम देखा था। आज हमने बात करते हैं किरचॉफ का नियम। डीसी सर्किट में ओम का नियम लागू होता है, किरचॉफ का नियम भी लगता है, प्रतिरोध का नियम भी लगता है। तो अपने पहले ओम का नियम बात की थी, जो वहां पे लगता है सिंपल सर्किट में, जिसमें कम प्रतिरोध लगे हो, कम कंपोनेंट लगे हो, वहां पे किसका यूज करेंगे अपने के नियम की। आज हमें बात करते हैं किरचॉफ की, तो ये किसमें लगेगा? जटिल सर्किट, जहां पे अनेक प्रकार के शाखाएं निकलती हो अलग अलग। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है? किरचॉफ ने क्या किया था? दो नियम लिए। सबसे पहले ये है धारा नियम, या इसे हम बोल सकते हैं बिंदु बिंदु नियम। और दूसरा नियम क्या है? वोल्टेज का, वोल्टेज इसे बोल सकते हैं हम मेश नियम। तो दो नियम दिए थे, पहला धारा का और दूसरा है वोल्टेज का। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं धारा नियम की। क्या होता है धारा नियम? किसी सर्किट में एक ही बिंदु पर मिलने वाली शाखाओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य। जैसे एक ही पॉइंट पे कोई धारा आ रही है, कोई जा रही है, तो उन सबका योग क्या होगा? शून्य होगा। ये पॉइंट है, संगम है, यहाँ पे सारी धाराएं मिल रही है, तो दो धाराएं यहाँ पे आ रही है, तीन यहाँ से बाहर निकल रही है, तो इनका योग क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। जो बाहर निकल रही है उनको अपने माइनस में ले लेंगे, ये अंदर आ रही है उनको प्लस में ले लेंगे, तो इनका योग क्या रहेगा यहाँ पे? शून्य। क्या होता है? किसी डीसी परिपथ में एक ही संगम पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग क्या होगा? शून्य होगा। यहाँ पे कह सकते हैं किसी पॉइंट पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। तो ये तो था एक धारा का नियम। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो वो डीसी सर्किट है, तो उसमें अपने जितनी वोल्टेज दे रहे हैं और उनपे जो भी कंपोनेंट लगे हैं, जो भी प्रतिरोध लगे हैं, कितनी धारा वोल्टेज खपत कर रहे हैं, तो उन टोटल उनका योग क्या होगा? जो अपनी वोल्टेज उसको दे रहे हैं उसके बराबर होगा। वोल्टेज ड्रॉप के
बराबर होता है। क्या होता है, जो अपने वोल्टेज दे रहे हैं तो उसमें ड्रॉप हो रही है, जितनी वोल्टेज उनके योग के हमेशा बराबर होगा। तो ये क्या है, वोल्टेज का नियम, या इसे बोल सकते हैं अपने केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज का। यहाँ पे P प्रतिरोध है, यहाँ पे क्या हुआ, ये R है और S है। तो अपने को इसके तीन की तो मान पता है, लेकिन एक का मान नहीं पता। मान लो इसका मान दिया, यहाँ पे लगा दिया अपने द्रव्यमान में, तो ये क्या होता है, एक संतुलित सर्किट होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर शून्य पाठना दिखाएगा तो क्या होगा, ये एक प्रकार का संतुलित होगा, जिसमें मतलब सभी का अनुपात बराबर होगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें है ज्ञात को P बटा क्यू आर बटा एस, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो इसमें तीन का जो मान दिया हुआ और एक का अपने को ज्ञात करना है। मान लो यहां पे 10 दे दिया, 15 और ये 5 हो, तो अपने को इसका मान ज्ञात करना है, एस का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, अपने P का मान कितना है 10, क्या होगा 15 और R का 5 ये S। तो अपने क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 5 बटा में 10, तो ये आ जाएगा 7.5। क्या दिया हुआ, 10 बटा में 15 बराबर 5 बटा एस। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 15 इंटू 5 बटा में 10 बराबर एस। एस के यहाँ पे एग्ञात प्रतिरोध, तो इसका मान कितना आ जाएगा 7.5। तो एस का मान क्या आएगा अपने 7.5। तो अपने एस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, एस बराबर क्यू आर बटा में पी। तो इससे अपने प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तीन का मान पता हो, चौथे का अपने ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने देखते हैं इसमें किस प्रकार के उपकरण लगते हैं डीसी सर्किट में, किस प्रकार के उपकरण, जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और प्रतिरोध हो गया, नापने के लिए किस प्रकार के उपकरण यूज होते हैं। तो विद्युतीय
दुर्गा का। अपने पास मापक यंत्र कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के, एनालॉग और डिजिटल। उपयोगी है। आज का टॉपिक अपना ही समाप्त होता है, बाकी अपने नेक्स्ट